अजीम उल शान जलसे आम मुनक्कद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पीपल्स पर अगर कोरोना से किसी को खतरा होता ये झंडे नीचे कर लें, ये सामने सारे कैमरास पीछे हैं आपके, ये सारे झंडे जो सामने हैं ये मेहरबानी करके नीचे करें, जरा नीचे कर ले सारे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये पीपल्स पीवाईओ के नौजवानों और पीएसएफ के स्टाफ वालों से कि ये झंडे नीचे करें, क्योंकि ये सारा कैमरास रुक चुके हैं, ये नीचे कर ले, मेहरबानी करें। ये पीआईओ जैकबाबाद वाला झंडा भी नीचे करें। तो मोहतरम दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि अगर कोरोना फैलाने के हवाले से किसी को गिरफ्तार करना था तो वजीर आजम साहब, सिलेक्टेड वजीर आजम साहब सबसे पहले अपने वज्रा को गिरफ्तार करता। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं, सदर पीडीएम मामा उनको वेलकम करते हैं स्टेज के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, गो इमरान, गो सिलेक्टेड, एक टके के दो न्याजी, एक टके के दो न्याजी, मुख्य तेरा शान याजी, मुख्य तेरा शान याजी, चार स्पीकर शान याजी। इसमें दो राय नहीं है कि मुल्क की तारीख में मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की नाइल और नालायक तरीन हुकूमत है, जिसकी न कोई सिमत है, न कोई विजन है। जिस शोबे की भी तरफ देखो सिवाय जवाल के, सिवाय जबूत के कुछ भी नजर नहीं आता। अवाम खाने पीने की चीजें खरीद नहीं सकते, तिजारती कारोबारी सरगर्मियां रुकने की वजह से बेरोजगारी और महंगाई वबा की तरह फैल रहा है। तो दूसरी तरफ मुल्क के सड़कों पर शाओनिज्म और नाजियत भी दौड़ता हुआ नजर आ सकता है। मुल्क के तीन बार वजीर आजम बनने वाले मियां नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने पर पाबंदी है। सच बोलने और सच लिखने वाले सहाफी अदम तहफ़ का शिकार हैं, इनको जान का भी खतरा है और रोजगार का भी खतरा है। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि काजी फायज ईसा जैसे ईमानदार और लायक जज भी अदम तहफ़ का शिकार हैं। इनके खिलाफ दायर की जाने वाली रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ने बदनीयती करार दिया। मोहतरम दोस्तों, चूंकि वक्त भी कम है, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, पीटीएम की सारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। पीटीएम की इस तहरीक बहाली जमहूरियत में एक नई जान पैदा करने के लिए, इसमें एक नया जोश वलवला पैदा करने के लिए
जरूरी है कि उन 14 लोटे सेनेटर्स को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। मुख्तलिफ जमायतों ने इस जमीन में तहकीकती कमेटियां बनाई लेकिन ताहाल इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सका। हालांकि पार्लियामेंट हाउस का एक आम भी मुलाजिम जानता है कि वो कौन कौन से सेनेटर्स थे जिन्होंने वफादारियां बदल की और लोटे बने और इन लोटों को सजा इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में किसी भी आजमाइश के मौके पर ये फिर अपना मुंह काला करेंगे। मैं आखिर में पीपल्स पार्टी के कायदीन को, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को उनकी यौम तासीस पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारी ख्वाहिश है, मुल्क के हर शऊर और बाशऊर शहरी की ख्वाहिश है कि बड़ी जमायतें हों या छोटी जमायतें, कॉम्प्रेस जमायतें हों या मजहबी जमायतें, सब मिलकर हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया।